तो हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है ये बल्ब्स के ऊपर, जो हमारे पुराने टाइप के बल्ब आते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरह के बल्ब हैं, तीन चार। मतलब ये है जो एक दो पॉइंट वाला बल्ब है, जिसे हम अक्सर टेल लाइट में यूज़ करते हैं कार की, जिसमें पार्किंग प्लस ब्रेक लाइट होती है। और ये जो है वो इंडिकेटर्स में यूज़ होता है, जो एक ऑरेंज कलर का बल्ब है। और ये हमारी जो पुरानी वाली बाइक्स आती थी हैलोजन बल्ब वाली, उसमें ये मेन हेडलाइट का बल्ब है। ये देख सकते हैं आप, इसको लिखा होगा 35/35 वाट का है ये। ये एक नॉर्मल बाइक का, 100cc बाइक में यही आते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका बल्ब जल नहीं रहा है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि बल्ब शॉर्ट हुआ है या वायरिंग का इशू है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें भी है, सभी बल्ब में यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं पीछे की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, और ये वाले दो पॉइंट हैं यहाँ पे, और इसमें पीछे तीन पॉइंट दे रखे हैं। तो ये जो पॉइंट है, इन्हीं के थ्रू हमारे बल्ब के अंदर करंट जाता है, और हम इसी के थ्रू आज चेक करेंगे कि बल्ब चालू है या नहीं। तो हम इसको दो मेथड से चेक करने वाले हैं। एक तो हमारा है मल्टीमीटर वाला मेथड, जिसमें हम मल्टीमीटर की हेल्प से इसको चेक करेंगे, और एक अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो हम बिना मल्टीमीटर के भी इसे चेक करेंगे। वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि उसको बिना मल्टीमीटर के चेक कैसे करना है, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी चालू है या नहीं बिना होल्डर के हम कैसे पता करेंगे? इसमें दो पीछे पॉइंट दे रखे हैं, और ये एक मेन कॉमन होता है। इसको चेक करने के आज मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो हम इसे मल्टीमीटर के थ्रू चेक करेंगे, और दूसरा अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, क्योंकि हमारे सभी भाइयों के पास मल्टीमीटर नहीं होता है, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग दीज डेज। तो वैसे आपको रखना चाहिए मल्टीमीटर, बड़े काम की चीज़ होती है, कई जगह पर काम आता है। और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो फिर क्या करें? तो भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं। और ये जो तरीका है आपके टेल लाइट, इंडिकेटर बल्ब और हेडलाइट सभी में काम करेगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और अगर आप मिस करोगे तो हो सकता है आपको कई सारी चीज़ें समझ में ना आए। चेक करेंगे इसको मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को इसे कंटिन्यूटी वाले टैब पे लाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर है 20 की नॉब, इसको घुमा के हमें यहाँ नीचे लाना पड़ेगा। तो इसको घुमाते हैं नीचे, ये आ गया कंटिन्यूटी वाले टैब पे। अब इसको हमें चेक करना है इससे। ये है मल्टीमीटर के हमारे दोनों प्रॉब, ये थोड़ा टूटा हुआ है लेकिन मैंने इसको बना रखा है। अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक बीप का साउंड, ये एक बीप का साउंड क्रिएट करेगा। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट और नॉट। इसको जैसे ही हम इसमें मिलाएंगे, और इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो हम पहले इस हेडलाइट बल्ब को चेक करेंगे। जैसा कि इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक पॉइंट उड़ा हुआ है, शॉर्ट है, और हम इसको चेक करते हैं। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो मुझे मालूम है कि हाई बीम का पॉइंट है, तो हम इसे चेक करते हैं फटाफट, जो कि ये वाला है। जैसा कि हम टच करते हैं तो कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन जब हम ऊपर वाले से टच करेंगे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ना इसकी इससे है ना ही इसकी इससे। अब हमने इसको चेंज भी कर दिया, देख लो, पहले उधर वाले पे था, अब इधर वाले पे लाएँ, लगा रहे हैं, नहीं चलता। मल्टीमीटर हमारा चालू है, दोनों का आपस में मिलाने पर करंट आ रहा है, लेकिन इसमें और इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, जो कि शॉर्ट हो चुका है। यहाँ से जो लाइन है, ये देखो, ये डिसकनेक्टेड है, जो सीधा वायर कनेक्टेड होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ नीचे कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग जैसा जो छोटा सा दिख रहा है ना, इसके थ्रू। तो इस तरह से हमने हेडलाइट के बल्ब को चेक किया। अब हम चेक करेंगे इस बल्ब को। इसको चेक करने के लिए वैसे जैसे दिख रहा है, इसमें क्लियरली विजिबल है दैट इसका जो फिलामेंट है वो भी कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर चेक करें मल्टीमीटर से, तो एक प्रोब हम यहाँ रखेंगे इसके बाहर की तरफ, और एक प्रोब हम रखेंगे इसके बीच वाले पॉइंट पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टच करते ही वहाँ पे
नंबर्स आ रहे हैं विच शोज के, ये देखो वहाँ पे आ रहे हैं और साउंड भी आ रहा है विच शोज कि ये बल्ब चालू है। अभी हम इसको सेकंड टाइम में जो दूसरा मेथड है उससे चेक करेंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से चल रहा है। और ये है हमारे शेवले स्पार्क के पार्किंग लाइट प्लस ब्रेक लाइट वाला बल्ब जिसमें दो पॉइंट दे रखे हैं। इसको फोकस करता हूँ मैं एक मिनट, ये देखो दो पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर, एक पतला वाला है और एक थोड़ा मोटा है। जो पतला वाला है वो पार्किंग है और जो मोटा है वो ब्रेक लाइट है, पार्किंग का है और एक ब्रेक लाइट का है। चलो इसको चेक करते हैं फटाफट। इसमें एक वही बाहर बॉडी को टच किया और एक लगाया हमने अंदर, और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे रीडिंग आ रही है, मतलब ये इधर वाला पॉइंट चालू है। और दूसरे पे लगाते हैं हम, इसकी बैटरी लो है शायद मल्टीमीटर की, इसके लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन देख सकते हैं उसमें भी रीडिंग आ रही है। चलो ये तो हुआ मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका। इसमें हम किसी भी प्रॉप किधर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एसी बल्ब्स हैं, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता है। जैसे कि हम इधर को इधर भी लगाएंगे तो भी वो काम करेगा। और ड्यू टू द बैटरी इशू इन दिस मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर सही से चल नहीं रहा है। अब इसका काम हो गया है, हम इसे बंद कर देते हैं। अब बारी हमारे दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड के लिए हमें चाहिए एक ऐसा वायर, कोई भी अच्छा सिंपल सा वायर ले लें आप इलेक्ट्रिक वाला, ये पूरा एक पीस है वायर का। और हमें चाहिएगी फिर ये बैटरी, देखो ये जो है बैटरी चक्कर दोनों आपस में, बैटरी के जो प्लस और माइनस अगर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह का स्पार्क क्रिएट करते हैं जो आपके हाथ को जलाने के लिए इनफ है। तो मेक श्योर कि इस तरह के काम को करते टाइम, बैटरी का यूज़ करते टाइम आप ग्लव ज़रूर पहनें और आँखों पर चश्मा भी लगाएं, सेफ्टी ग्लासेस, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस तरह के काम करें। अब ये जो बैटरी है इसको हम कैसे चेक करेंगे, बैटरी के एक किसी भी एक पॉइंट पे हम वायर को पकड़ लेंगे और दूसरे में हम इस तरह से इस बल्ब को अटैच करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे माइनस पे लगा के, ठीक है, और इसको हम यहाँ से बैटरी पे रख देंगे। अब जब हम इसमें अटैच करेंगे कोई भी सिरा तो लाइट जलेगी लाइक दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी ब्रेक लाइट वाला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, सॉरी ये ब्रेक लाइट वाला पॉइंट है जो फास्ट जल रहा है और ये स्लो जल रहा है, पार्किंग का पॉइंट है, मतलब कि ये दोनों चालू हैं। इस तरह से हम बाकी बल्ब्स को भी चेक करेंगे। चलो देखते हैं, और अब हम चेक करेंगे इसके इंडिकेटर को, इंडिकेटर के बल्ब को। इंडिकेटर को चेक करने के लिए भी इस तरह से यहाँ पे इसको लगाएंगे बॉडी पे बाहर की तरफ, ये जो है इसका बॉडी पार्ट, इस पर इस वायर को अटैच करेंगे और एक वायर हम रखेंगे यहाँ पे बैटरी के प्लस पे, और इसका जो दूसरा पॉइंट है उसे हम यहाँ लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बल्ब जल रहा है, मैं इसको सही से करके बता देता हूँ एक बार, और ये इस तरह से इसको रखेंगे, ये बैटरी पर लगाया और इस तरह से ये बल्ब भी चालू है, इसका फिलामेंट कनेक्टेड है। और अब बारी हमारे बाइक के हेडलाइट बल्ब की। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट काम नहीं कर रहा है जो कि हाई बीम का है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा काम नहीं कर रहा है। इसमें भी हम सेम टू सेम करेंगे, जिस पॉइंट को हमें चेक करना है एक वायर उस पर रखेंगे और एक वायर हम रखेंगे बैटरी पे, और एक पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे बैटरी का और इससे माइनस प्रोब से। अब जैसे कि एक बार ये सही से कनेक्ट हो जाए, सही से कनेक्ट होने के बाद जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये देखो ये लो बीम जल गई, लेकिन अब जब हम इसको हाई बीम को कनेक्ट करेंगे तो ये किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये जैसा कि देख सकते हैं मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और ये भी कनेक्टेड है, ये वाला भी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। उधर भी लगा के देख लेते हैं दूसरे वाले में पीछे, इसको पीछे लगाया और फिर कनेक्ट किया तो भी ये कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है। इससे ये क्लियर होता है कि इसका जो हाई बीम है वो शॉर्ट है, जैसा कि इसमें देख भी सकते हैं आप अंदर, इसमें ये शॉर्ट है। और मैं इसकी एक क्लियर फोटो भी आपको दिखा दूंगा जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका हाई बीम शॉर्ट है। और लेट मी शो यू अ गुड हेडलाइट बल्ब, ये जैसा कि देख सकते हैं ये एक अच्छा वाला बल्ब है जिसके दोनों पॉइंट प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। ये एक नया बल्ब है
अब चलो इसको चेक करते हैं इसका क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट जल रहा है हाई बीम है और ये वाला लो बीम है, ये हाई बीम है। पास से देखिए बिल्कुल ये है इसका लो बीम, नीचे वाला जल रहा था जैसा कि देख सकते हैं, और ये है हाई बीम, ये ऊपर वाला जल रहा था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बल्ब चालू है या बंद है, अभी काफ़ी गर्म हो चुका है साइड एलईडी बल्ब। अब हम इसे भी चेक करके देखेंगे कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो एलईडी का भी सेम ही है, जैसा कि दिख रहा है इसमें इसके सारे पॉइंट्स, इसमें सारे पॉइंट चालू हैं। ये इस बल्ब का हाई बीम है और अब हम इसको लो बीम पे करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिर्फ दो ही पॉइंट जलेंगे, इधर वाला पॉइंट बंद हो चुका है और सिर्फ इधर के दो पॉइंट चालू हैं। दिस इज़ हाउ द एलईडी वर्क बल्ब वर्क, सभी एलईडी बल्ब जो इसी तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से बिना मल्टीमीटर के और मल्टीमीटर के साथ अपने गाड़ी के हेडलाइट इंडिकेटर और टेल लाइट के बल्ब को कैसे चेक कर सकते हैं कि बल्ब ख़राब है या फिर वायरिंग का इशू है। अगर ये सब करने के बाद आपका बल्ब नहीं जलता है मतलब वो ख़राब है, और अगर आप बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब है आपकी वायरिंग में कुछ इशू है। तो यू शुड चेक योर वायरिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं वायरिंग चेक करने का भी एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो।